जय भीम, नमो बुद्धाय। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 के दिन, जिसे अभी इसी साल 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, हमें और समस्त जगत को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी, धर्मांतर किया सामुदायिक, और इस तरह इस भारत में बुद्ध के धम्म को फिर से जीवित किया, बुद्ध धम्म का पुनरुत्थान किया और एक महान ऐसी धम्म क्रांति उन्होंने की। बाबा साहब के इस महान धम्म क्रांति के पश्चात हम बौद्ध बने। जो बुद्ध इसी भूमि पर जन्मे और कुछ कारणवश बुद्ध का नाम, उनका धम्म और उनका संघ जो मानव कल्याणकारी है, इस भूमि से विलुप्त हो गया था, किंतु कई शतकों के पश्चात बाबा साहब अंबेडकर ने उस धम्म को पुनरुज्जीवित किया, उसकी पुनः स्थापना की और इस तरह से उस धर्मांतरण के समारोह से हम बुद्ध से, धम्म से एवं संघ से परिचित हुए। आज इस धर्मांतरण को, इस धम्म क्रांति को 60 साल पूरे हो रहे हैं। इस 60 साल के दरमियान हमने बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का आप अपने ढंग से पूरा प्रयास किया और ऐसे में ही जो धम्म उन्होंने हमें दिया है, उस धम्म को जानना, पहचानना, उसको समझना एवं उसके अनुसार आचरण करने का हमने बखूबी प्रयास भी किया है। लेकिन फिर भी बुद्ध क्या है, उनका धम्म क्या है, उनका संघ क्या है, इस बारे में काफ़ी अनभिज्ञता है, काफ़ी गलतफहमियाँ भी है। तो यह बुद्ध धम्म और संघ, जिसे त्रिरत्न कहते हैं, इन तीन रत्नों को हमने बार बार याद करना चाहिए, बार बार उसके बारे में सोचना चाहिए और बार बार सोचने के बाद निश्चित ही हम उसे ठीक से समझ पाते हैं और उस पर हम चल पाते हैं। तो बाबा साहब ने हमें इन तीन रत्नों की एक बहुत अद्भुत ऐसी हमें एक दान दिया है। तो इस प्रवचन में आज के हम इन्हीं तीन रत्नों को जानने का प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म ग्रंथ में इन तीन रत्नों का बड़ा अच्छा विश्लेषण किया गया है, बहुत सटीकता से, बहुत स्पष्टता से इन तीन रत्नों का वर्णन किया गया है। हम पाली पूजा करते हैं, जो जिसमें सबसे पहले त्रिशरण पंचशील आता है, उसके बाद बुद्ध पूजा होती है और तत्पश्चात त्रिरत्न वंदना, हम हमेशा उसका उद्घोष करते हैं, जयघोष करते हैं और त्रिरत्न वंदना का पठन करते हैं। चाहे कोई भी हमारा समारोह हो, हम त्रिरत्न वंदना को हमेशा उसका पठन करते रहते हैं। तो आज हम इन त्रिरत्न वंदना के बारे में, यह क्या है, उसको जानने का प्रयास करने वाले हैं। पाली ग्रंथों में त्रिरत्न वंदना, यह एक पाली गाथाओं का समुच्चय है, जहाँ तीन रत्नों की प्रशंसा की गई है, जिसको तीन रत्न कहते हैं। रत्न का आप जानते हैं कि रत्न यह अनमोल होते हैं, लेकिन बुद्ध धम्म एवं संघ यह इन रत्नों से भी कई ज़्यादा अनमोल है। तो ऐसे तीन रत्नों को हम इस त्रिरत्न वंदना में समझने का प्रयास करते हैं। इन तीन रत्नों को
हम वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और तत्पश्चात उसको समझकर, उसके प्रति श्रद्धा भाव निर्माण कर उन त्रिरत्नों पर चलने का, उसका आचरण करने का यहाँ हम प्रयास करते हैं। तो यह त्रिरत्ना का पठन जो है यह बहुत ही स्फूर्तिदायक है, प्रेरणादायक है, बहुत सुंदर है। लेकिन पठन तो हम करते हैं, इसका अर्थ, इसका मतलब कई बार हमें मालूम नहीं होता, हम क्योंकि वह मूलतः पाली भाषा में है और पाली भाषा का अर्थ हमें नहीं समझता, तो हम बहुत बार पठन करते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते। तो तीन रत्न जो है, त्रिरत्न वंदना जो है, यह तीन भागों में, तीन विभागों में इसको विभाजित किया गया है। पहले विभाग में बुद्ध है, बुद्ध वंदना है, दूसरे विभाग में धम्म वंदना है एवं तीसरे विभाग में संघ वंदना है। तो इसमें इन तीन विभागों में इसको विभाजित करने के पश्चात इन त्रिरत्न वंदना के फिर से जो एक एक वंदना है, बुद्ध वंदना है, धम्म वंदना, संघ वंदना, इसके फिर से दो विभाग किए गए हैं। और इसमें पहले उपविभाग में हम देखते हैं कि कुछ बुद्ध के, धम्म के और संघ के कुछ गुण विशेष बताए गए हैं। बुद्ध के क्या गुण है, धम्म के क्या गुण है, संघ के क्या गुण है, और इस तरह से पहले इसमें उनके गुण बताए गए हैं, उनके गुणों की, त्रिरत्नों के गुणों की प्रशंसा की गई है। और फिर प्रशंसा करने के बाद, उन्हें, उनकी स्तुति करने के बाद, उनको अपने गुणों से जोड़कर देखा गया है। और जब हमें पता चलता है कि यह गुण कितने महत्वपूर्ण है, यह मानवीय गुण हमारे कितने, हमारे लिए कितने लाभदायक है, यह मानव के हमारे कितने कल्याणकारी है, इसकी जब पुष्टि हो जाती है तो उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव निर्माण होता है, हम उन्हें अभिवादन करते हैं। और इसमें जो दूसरा उपविभाग है वह है श्रद्धा से उस पर चलना, श्रद्धा भाव से अपने आप को उन त्रिरत्नों के प्रति समर्पित कर देना। तो इस दूसरे विभाग में इस तरह से ये जो प्रशंसा है, यह स्तुति है, यह केवल स्तुति तक नहीं रहती, प्रशंसा तक नहीं रहती। जब गुणों को बखूबी समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा निर्माण होती है और यही श्रद्धा जो त्रिरत्न के प्रति है वह हमें शरण गमन करने के ओर हमारे कदम बढ़ाती है। और फिर हम शरण गमन करने लगते हैं, शरण गमन मतलब बुद्ध के, धम्म का और संघ का आचरण करने लगते हैं। केवल हम स्तुति नहीं करते, केवल हम गुणगान नहीं करते, या केवल हम पठन नहीं करते, तो उसका अर्थ, उसका मतलब बखूबी समझकर अपने जीवन में उतारने का भरकस प्रयास करते हैं। यूँ कहिए कि उसके लिए हम समर्पित हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि बौद्ध जीवन यह प्रतिज्ञाबद्ध जीवन है, और यह प्रतिज्ञाबद्ध जीवन अगर है तो यह प्रतिज्ञाबद्धता इन तीन रत्नों के प्रति है जिसे हम अपने आप को समर्पित करते हैं। और इसलिए इस दूसरे विभाग में शरण गमन आता है। तो आइए हम पहले इस त्रिरत्न वंदना के इस पहले अंग से, जहाँ बुद्ध वंदना है, वहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो बुद्ध वंदना का या त्रिरत्न वंदना का प्रारंभ ही नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स इस गाथा पठन से होता है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं भगवतो मतलब भाग्यवान ऐसे बुद्ध को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उन्हें अभिवादन करता हूँ। अरहतो जो अरहंत है, मतलब
पूरी तरह से अकुशल बातों से, पूरी तरह से नकारात्मक बातों से वे विमुक्त है। वे ऐसे अरहंत है जिन्हें मैं वंदन करता हूँ, नमोतस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। और वे सम्यक संबुद्ध है जिन्होंने स्वयं के प्रयास से संबोधि की, बुद्धत्व की प्राप्ति की है। तो यहाँ से हम त्रिरत्न वंदना का की शुरुआत करते हैं और फिर आता है पहला अंग जिसमें आती है बुद्ध वंदना। अब बुद्ध की वंदना, तो हम बुद्ध को जानते हैं। यहाँ बुद्ध क्या चीज है, बुद्ध कितने महान है, तो सबसे पहले तो बुद्ध का नाम आते ही कभी कभी कुछ लोगों के मन में ये भाव आते हैं कि बुद्ध वही है, वैसे ही है जैसे बाकी धर्मों में ईश्वर है या भगवान है। तो ऐसा नहीं है, बुद्ध के धम्म में ईश्वर, भगवान या कोई जो आसमान में होता है कोई ऐसी शक्ति, ऐसी कोई शक्ति को कोई स्थान बुद्ध धम्म में नहीं है, ईश्वर को कोई स्थान नहीं है। और इसलिए भगवान बुद्ध ईश्वर नहीं है। तो यह बात सबसे पहले हमने समझ लेनी चाहिए। अगर हम इस बात से स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध ईश्वर नहीं है, तो फिर वह क्या है? तो वे हमारे जैसे ही एक मानव है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि वे मानव भी नहीं है, तो फिर ईश्वर भी नहीं है, मानव भी नहीं है, फिर बुद्ध कौन है? बुद्ध के ही इतिहास में हम थोड़ा झांक कर देखते हैं। ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने जब प्रतिज्ञा की, वे दुख की खोज में, हम जानते हैं कि उन्होंने गृह त्याग किया जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं बौद्धों की भाषा में। उसके पश्चात वे दुख के, दुख दूर करने के मार्ग को खोजने के लिए निकल पड़े। उम्र के 29वें साल में उन्होंने गृह त्याग किया और वे घूमते घूमते जितने भी तत्कालीन उन समय के जो महात्माएं थे, जो महापुरुष थे या जो वहाँ के गुरु थे, सबके पास उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ, वे संतुष्ट नहीं हुए। और फिर स्वयं ही दुख के कारण का, उस सत्य मार्ग का खोज करने के लिए वे चल पड़े। और हम देखते हैं कि गया, जहाँ बिहार में है, वहाँ एक बोधि वृक्ष के, जिसे पीपल का पेड़ कहते हैं, उसके नीचे कुसा नाम के इस घास पर बैठ गए और उन्होंने प्रण किया, प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं सत्य की खोज नहीं करता, जब तक मैं बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं करता, तब तक मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। इसलिए उनकी जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वह प्रतिज्ञा बद्धता का द्योतक है, निदर्शक है। और फिर वे 4 सप्ताह तक उसी ध्यानमग्न अवस्था में उस बोधिवृक्ष के तले बैठते हैं, गंभीर, बहुत ही सखोल ऐसे ही ध्यान साधना करते हैं। और 4 सप्ताह के पश्चात हम देखते हैं कि बोधिसत्व सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं। उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, संबोधि की प्राप्ति होती है और इस तरह से वे बुद्ध कहलाते हैं। तो बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात हम देखते हैं कि वे जब बुद्धत्व की प्राप्ति उन्होंने की और उस आनंद में, उस संतुष्टि में वे बाहर निकल पड़े, तो सबसे पहले उन्हें एक ब्राह्मण मिला। अब बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति कर चुके थे तो स्वाभाविक है उनके चेहरे की आभा, उनके चेहरे का वह तेज, चेहरे पर की वह संतुष्टि, वह आनंदी आनंद और विमुक्ति का वह आनंद लेकर बुद्ध चल पड़े। बहुत ही स्मृतिपूर्वक वे चलते थे तो इतने आकर्षक लगते थे। तो उस ब्राह्मण ने आकर्षित होकर वो उनके करीब गया और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? बुद्ध की आभा देखकर, बुद्ध का वह प्रफुल्लित आनंदित वह चेहरा देखकर, वह तेज देखकर ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और पूछने लगा कि आप कौन हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि मैं बुद्ध हूँ।
लेकिन तत्पूर्व भी उसके पहले वह ब्राह्मण पूछता है कि आप इतने अलग लग रहे हैं, इतने चेहरे पर आपके तेज है, क्या आप यक्ष है? तो उसने बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं यक्ष नहीं हूं। तो क्या आप देव है? बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं देव भी नहीं हूं, मैं ईश्वर भी नहीं हूं। फिर ब्राह्मण कहता है तो क्या आप किन्नर है? यक्ष किन्नर उस वक्त जो देवों के प्रकार थे। तो उन्होंने बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं। तो क्या आप कोई भूत प्रेत है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं। तो क्या आप मानव है? मानव तो हो गए। तो बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं मानव भी नहीं हूं। बुद्ध के इस उत्तर को देखकर सुनकर ब्राह्मण बड़ा संभ्रमित हो जाता है और छोड़ देता है बुद्ध को और वहां से चला चल पड़ता है। अब इससे क्या सीख मिलती है? बुद्ध कहते हैं कि मैं न ईश्वर हूं, ना यक्ष हूं, ना ही गंधर्व हूं और ना ही मानव हूं। तो बुद्ध कहते हैं मैं केवल बुद्ध हूं। और जब बुद्ध उस ब्राह्मण को कहते हैं कि मैं बुद्ध हूं, तो बुद्ध का मतलब उसे समझ में नहीं आता और ब्राह्मण संभ्रमित होकर वहां से निकल पड़ता है। बुद्ध ने जब ब्राह्मण को कहा कि मैं बुद्ध हूं और ब्राह्मण को समझा ही नहीं बुद्ध क्या होता है, तो ठीक वैसे ही कुछ हद तक अवस्थाएं, कुछ स्थिति हमारी भी होती है कि हम बुद्ध को नहीं समझ पाते कि बुद्ध क्या है। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि बुद्ध ईश्वर नहीं है और मानव भी नहीं है, तो बुद्ध हमारे जैसे ही एक मानव थे, लेकिन उन्होंने स्वयं के भरकस प्रयास से मानवीय गुणों का परिपूर्ण ऐसा विकास किया। अपने मन के जितने, चित्त के जितने मल थे, उनको पूरी तरह से नष्ट किया। जितनी भी नकारात्मक बातें थी, जितनी भी अकुशल बातें थी, उन सब पर उन्होंने विजय प्राप्त की, लोभ पर, मोह पर, द्वेष पर, और जितने भी मानवीय अवगुण थे, उन गुणों अवगुणों को पूरी तरह से नष्ट कर जो मानवीय गुण है, सद्गुण है, उनका परिपूर्ण विकास उन्होंने अपने आप में किया। इन सभी मानवीय गुणों को चार बातों में तोला जाता है, चार बातों में बताया गया है, और वह चार बातें हैं मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा, जिन्हें चार ब्रह्म विहार भी कहते हैं। तो इस तरह से बुद्ध के हृदय में महामैत्री थी, महाकरुणा थी, महामुदिता थी और महाउपेक्षा थी। और इस तरह से इन सद्गुणों को उन्होंने पाकर जितना भी अज्ञान था, जितनी अविद्या थी, उस अविद्या पर विजय प्राप्त कर उन्होंने इस तरह से सत्य को जाना। वे पूरी तरह से जागृत हुए, वे पूरी तरह से यूं कह सकते हैं कि बुद्ध बने। और ऐसे व्यक्ति जो एक सामान्य मानव ही थे, लेकिन अपने प्रयास से उन्होंने उस ऊंची अवस्था को प्राप्त किया, और इसीलिए हम उन्हें बुद्ध कहते हैं। तो इस तरह से अब ऐसे ही बुद्ध के जो गुण है, वह गुण इस त्रिरत्न वंदना के पहले विभाग में बताए गए हैं। तो बुद्ध की इस स्तुति करते करते हम सबसे पहले ये नमोतस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स के बाद हम बुद्ध वंदना का प्रारंभ करते हैं। इतिपि सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो। तो भगवान बुद्ध कैसे है ये यहाँ बताया गया है। तो इतिपि सो भगवा, इतिपि सो भगवा, भगवान बुद्ध ऐसे है, इसके इनके जैसे है। तो कैसे है इसका वर्णन आगे किया गया है। इतिपि सो भगवा अरहं, वे भगवा मतलब भाग्यवान है, अरहंग है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है। तो वे सम्यक संबुद्ध है मतलब पूरी तरह से जागरूक है, पूरी तरह से स्मृतिमान है, जिनके भीतर, जिनके हृदय में कोई भी अकुशल भाव नहीं है, कोई भी द्वेष का भाव नहीं है, कोई लोभ का भाव नहीं, कोई अविद्या का अंश नहीं है। तो इस तरह से पूरे तरह से बुद्ध
इतिपि सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो है, वे विद्याचरण संपन्नो है। आगे कहते हैं इसमें विद्याचरण संपन्नो है, विद्या से मतलब विद्या से परिपूर्ण है। और इतना ही नहीं तो जो विद्या है या ज्ञान जिसको कहते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है, केवल ज्ञान की जानकारी नहीं है तो उस पर आचरण करने वाले भी हैं। तो उस ज्ञान को प्राप्त कर उस पर चलने वाले ऐसे विद्याचरण संपन्नो है, वे सुगतो है, सुगति को प्राप्त किए हुए हैं। लोकविदु है, अब लोकविदु मतलब हम बुद्ध को कहते हैं कि बुद्ध यह विश्व के जगत के पहले मानस शास्त्रज्ञ थे। तो लोकविदु का मतलब है कि लोगों के मन का, दिलो दिमाग की रहस्य को जानने वाले थे, उनके दिलो दिमाग की बात को समझने वाले ऐसे लोकविदु, ऐसे बुद्ध थे। और इस तरह से वे अनुत्तरो है, लोकविदु अनुत्तरो, अनुत्तर है, वे सुगति को प्राप्त किए हैं, निर्वाण प्राप्त किए हैं। वे केवल बुद्धिमान, बौद्ध बुद्धिमान ही नहीं है तो उस पर चलने वाले में से एक है, विद्याधर ही नहीं है तो उनकी जो दृष्टि केवल ज्ञानमय नहीं तो उस पर चलने वाली दृष्टि है, वे उसका आचरण करते हैं, जो बोलते हैं उसको कृति में ढालते हैं। और इस तरह से बुद्ध वे सुगतो है, जिन्होंने सही मायने में सुगति प्राप्त की है, मतलब सच्चे सुख को उन्होंने प्राप्त किया है। सुगति मतलब सच्चा सुख हासिल करना। हम सुख की कल्पना अलग अलग करते हैं, दुख को भी सुख समझ बैठते हैं, इस विपर्यास में हम जीते हैं, लेकिन बुद्ध ने सच्चे सुख को प्राप्त किया था। बाद में आता है लोकविदु, लोगों के मन का, लोग के मन का रहस्य जानने वाले थे उनके। तो लोगों के मन का रहस्य मतलब पूरी तरह से उनको जो मानवीय मन है वह कैसे कार्य करता है यह उन्होंने जान लिया था। उन्होंने कार्य कारण भाव को बखूबी समझ लिया था, प्रत्युत्पात को पूरी तरह से उन्होंने जान लिया था, ऐसे लोकविदु है। और इस तरह से हम कहते हैं कि लोकविदु अनुत्तरो, वे अनुत्तर है मतलब सर्वश्रेष्ठ है। विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो, पुरीस दम्म सारथी है। आगे कहते हैं इस वंदना में कि वे पुरीस दम्म सारथी है, मतलब कि पुरुष एवं जो भी दमनशील है। इसके पहले एक वाक्य आता है सत्था देव मनुष्यानं, जो विद्य के अनुसार जो आचरण करते हैं, लोकविदु अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी, मतलब वो पुरुषों के और दमनशील लोगों के, या जो अन्याय ग्रस्त है, पीड़ित है, शोषित है, उनके भी वे सारथी है, मतलब उन्हें भी मार्ग दिखाने वाले हैं। हम बुद्ध को कहते हैं कि वे मोक्षदाता नहीं, मार्गदाता है। तो इस तरह से वे जितने भी लोग हैं उन्हें मार्ग दिखाने वाले हैं, पुरुष दम्म सारथी। तो ऐसे पुरुषों को वे मार्ग दिखाने वाले हैं। सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। तो सत्था देव मनुष्यानं, देव और मनुष्य को, देव मतलब कोई भगवान नहीं, ईश्वर नहीं। तो देव का बौद्ध धर्म में अर्थ होता है कि जो बहुत अमीर है, धनिक है, जो श्रेष्ठ ही है, ऐसे लोगों को, जो बहुत ही सुख संपन्न है, ऐसे लोगों को यहाँ देव कहा गया है। तो ऐसे लोग और सर्वसामान्य मनुष्यों के सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति, तो ऐसे लोगों को मार्ग दिखाने वाले बुद्ध भगवान है। और बाद में वहाँ आता है तो फिर क्या, सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति, और फिर यह आता है ये च बुद्धा अतीता च। तो ऐसे बुद्ध जो अतीत में हो चुके हैं, ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, या जो बुद्ध आज यहाँ है, जो विद्यमान है, इस धरातल पर है, ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना चये बुद्धा, और जो भविष्य में होने वाले बुद्ध है, अहम वंदामी सबदा।
तो ऐसे तीनों विश्व के बुद्धों को मैं पूरी तन मन धन से मैं अभिवादन करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। और इस तरह से इस बुद्ध वंदना में हम देखते हैं कि जब मैं बुद्धों के गुणों से परिचित हो जाता हूँ, मेरे अंदर श्रद्धा के भाव निर्माण होते हैं, तो मैं उनको अभिवादन करता हूँ। और इस तरह से ये च बुद्धा अनागता अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहम वंदामि सभ्यता। और ऐसे बुद्ध को मैं वंदन करता हूँ, मैं अभिवादन करता हूँ। इतना ही नहीं तो आगे फिर आता है नत्थी में शरणं अयं, उसमें आता है नत्थी में शरणं अयं। और फिर बुद्धं याव जीवितं बुद्धं जीवितं पर्यंतं शरणं गच्छामि। देखिए यहाँ शरण गमन है, बुद्धं जीवितं पर्यंतं शरणं गच्छामि। तो ऐसे बुद्ध कैसे, जैसा हमने देखा सभी गुणों से युक्त बुद्ध, तो ऐसे बुद्ध को बुद्धं जीवितं पर्यंतं, मैं जब तक मेरी सांस चल रही है, जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक ऐसे बुद्ध को मैं शरण जाता हूँ। शरण जाता हूँ मतलब कुछ मांगता नहीं भगवान की तरफ, शरण जाना मतलब शरण जाना है, अनुसरण करना है। तो ऐसे महान बुद्ध को मैं समूचे जीवन भर अनुसरण करता हूँ, उनका आचरण करता हूँ, उनके जैसे बनने का प्रयास करता हूँ, यह इसका मतलब है। बुद्धं याव बुद्धं जीवितं शरणं जीवितं पर्यंतं शरणं गच्छामि। और मैं ऐसे बुद्ध को पूरे जीवन भर शरण जाता हूँ। फिर एक गाथा आती है ये च बुद्धा अतीता च, ये इसके पश्चात में फिर आता है कि नत्थी में शरणं अयं। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, हम कई बार इसको उच्चारण करते हैं, इसको दोहराते हैं कि ऐसे बुद्ध को जब मैं जीवन भर शरण जाने का की प्रतिज्ञा करता हूँ, बौद्ध जीवन प्रतिज्ञाबद्ध जीवन है वो इसलिए है। तो फिर नत्थी में शरणं अयं बुद्धों में शरणं वरं, नत्थी में शरणं अयं इस बुद्ध के सिवा मेरा दूसरा कोई शरण स्थान नहीं है। नत्थी में शरणं अयं बुद्धों में शरणं वरं, मेरा शरण स्थान केवल बुद्ध ही है। ये तेन सच्च वचेनं हो तुम्हें जय मंगलम। और इस सत्य वचन से, सत्य ये सत्य है, इसी सत्य वचन से मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, ऐसी भावना मैं स्वयं से करता हूँ। अब इस पूरे बुद्ध वंदना में कहीं भी हम जैसे दूसरे धर्मों में है कि भगवान की स्तुति करते हैं, कुछ मांगते हैं, यहाँ बुद्ध को हम कुछ नहीं मांगते क्योंकि बुद्ध ईश्वर नहीं है। तो नत्थी में शरणं अयं, हम पाली में इसका उच्चारण तो हमेशा करते हैं, लेकिन अगर इसका मतलब इसका अर्थ हमें समझ में आता है और समझ में आकर उसको हम जानते हैं तो उस पर चलने का भी हमने प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कह दूँ नत्थी में शरणं अयं बुद्धों में शरणं वरं, बुद्ध के सिवा मेरा दूसरा कोई शरण स्थान नहीं है, केवल बुद्ध ही मेरे शरण स्थान है, ऐसा एक तरफ कहना गाथाओं में, और गाथा खत्म होते ही कभी ना कभी फिर दूसरे भगवान के तरफ या दूसरे देवी देवताओं के तरफ बढ़ना, यह बुद्ध के प्रति प्रताड़ना हो सकती है। इसलिए हमने बहुत स्मृतिपूर्वक रहना चाहिए कि जब मैं ये कहता हूँ कि नत्थी में शरणं अयं बुद्धों में शरणं वरं, तो मैं केवल बुद्ध को ही शरण जाना चाहिए, बुद्ध को ही समझना चाहिए और बुद्ध के माफिक बनने का मैंने प्रयास करना चाहिए। नत्थी में शरणं अयं बुद्धों में शरणं वरं का यही अर्थ है। ये तेन सच्चे वचन, यहाँ पूरी तरह से मुझे विश्वास हो जाता है कि ये तेन सच्चे वचन बुद्ध यही सत्य है। और इस सत्य के वचन से, जो मैंने वचन अभी गाथा में कहा, उस सत्य वचन से मेरा कल्याण होगा, इसकी पूरा विश्वास मुझे आता है। ये तेन सच्चे वचन हो तुम्हें जय मंगलम, मतलब इससे मेरा कल्याण हो, इससे मेरा कल्याण होगा। तो इस तरह से बुद्ध वंदना के इस पहले भाग में हम यहाँ अंत में आते हैं, और फिर जब गुणों से परिचित होते हैं, बुद्ध के समान बनने का प्रयास करते हैं या उसकी प्रतिज्ञा करते हैं, तब हम इस गाथा के
इस वंदना के अंत में हम कहते हैं उत्तमंगेन वंदेहं पादपंसु वरुत्तमं, जिसका मतलब होता है कि बुद्ध के इस पवित्र इस चरण को मैं नतमस्तक होकर मैं वंदन करता हूँ। उत्तमंगेन वंदेहं, बुद्ध के यह जो उत्तम अंग है मैं त्रिवार वंदन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ और इस तरह से ऐसे महान बुद्ध के प्रति मैं अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करता हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ। बुद्धेयो खलितो दोसो बुद्धो खमतु तम मम, यह जो अंत की गाथा है यह बहुत ही ऐसा कहते हैं कि हमें भावनिक बना देती है। बुद्धेयो खलितो दोसो बुद्धो खमतु तम मम, या बौद्ध की भाषा में पाप देशना है, कन्फेशन है कि बुद्ध के प्रति मेरे हाथ से, मेरी ओर से अतीत में या वर्तमान में अगर कोई गुनाह या कोई अपराध हुआ हो तो बुद्ध मुझे क्षमा करे। देखिए यहाँ मैं अपने अकुशल कर्म की या जो कर्म गलती से कहिए या अज्ञानतावश कहिए मेरे हाथ से घट चुके हैं, उस कर्मों की उस गलतियों की मैं यहाँ क्षमा याचना करता हूँ, मैं यहाँ माफ़ी मांगता हूँ। और इस तरह से बुद्धेयो खलितो दोसो बुद्धो खमतु तम मम, कि बुद्ध के प्रति, या बुद्ध के प्रति मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि यह जो बुद्ध के सद्गुण मैंने देखा, बुद्ध के अंदर की जो मानवता देखी, जो मानवीय गुण मैंने देखा, जो मैंने जानने का प्रयास किया, उस मानवीय गुणों के खिलाफ अगर मेरे हाथ से कुछ बर्ताव हुआ है, मेरी ओर से कुछ मैंने गलती की है, या इन मानवीय गुणों के व्यतिरिक्त मैंने कुछ आचरण किया है, तो बुद्ध मुझे क्षमा करे। या हम क्षमा मांगते हैं और फिर प्रयास करते हैं कि अब मैं इस गलती को दोहराऊंगा नहीं। इन सभी गुणों के विरुद्ध जो दुर्गुण है, जो अवगुण है, उस अवगुणों को नष्ट करने का, भग्न करने का मैं प्रयास करूंगा, मैं उसके लिए प्रयासरत रहूंगा। और कभी भी बुद्धों के खिलाफ ऐसे कोई जो दोष हुए हैं मेरे हाथ से, वह दोष, वह अपराध फिर से ना हो, इसकी मैं प्रतिज्ञा करूंगा। और इस तरह से हम इस तरह बुद्ध वंदना के इस पहले विभाग को, जो बुद्ध वंदना है, यह हम समाप्त करते हैं। जय भीम।